इस वक्त हम खड़े हैं राजेंद्र नगर के दसगरा इलाके में। आज है 23 जून। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज राजेंद्र नगर विधानसभा के चुनाव में वोटिंग हो रही है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं दुर्गेश पाठक, और बीजेपी की तरफ से हैं राजेश भाटिया, और कांग्रेस की तरफ से हैं प्रेमलता। इन तीनों की किस्मत का फैसला होगा 26 जून को, जब जनता का जो फैसला है वो सबके सामने आएगा, यानी कि रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्राउड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वैसे की बोला जाता है कि उपचुनाव का जो जोश होता है वो उतना लोगों के अंदर नहीं होता है। जो बड़े चुनाव होते हैं वो लोग ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए साफ हो रही होगी कि उपचुनाव जो होता है उसमें भी लोग है वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर, आपका नाम? दिनेश जी, ये मत बताइएगा कि आपने किसको वोट दिया, पर ये जरूर बताइएगा कि आपने दिमाग में क्या रखते हो, किन मुद्दों को देखते हुए? मैंने यहाँ का विकास देखते हुए वोट किया है अपना, और जो हमारे यहाँ पे दसगरा में जो विकास हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए दिया है। और मैंने अपने कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखी है, उनका बैकग्राउंड भी देखा है कि कैसा उनका बैकग्राउंड है, क्या उनकी एजुकेशन है, क्या उनकी पॉलिसीज है, क्या उनके एजेंडे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने आज का अपना वोट दिया है। तो मैं अपने साथियों को भी यही कहूँगा कि सिर्फ किसी भी पार्टी के मुद्दों पे जाइए, उनकी एजुकेशन चेक कीजिए, उनकी पॉलिसीज चेक कीजिए, ना कि सिर्फ हाथ या कमर या झाड़ू को देखते हुए या अपनी जान पहचान को देखते हुए वोट दें, बल्कि उनकी पॉलिसीज चेक करें डीपी, क्योंकि क्या व्यूज है, क्या उनके आने वाले उनके एजेंडे हैं, क्या वो हमारे लिए विकास कर सकते हैं, और क्या करने का उनके माइंड में है, उनको मद्देनजर रखते हुए आज का वोट दीजिए। दसगरा में पिछले कुछ सालों में कितना विकास आपको देखने को मिला? काफ़ी विकास हुआ है यहाँ पे। पहले पुरानी सीवर लाइन थी, तो अब थोड़ी न्यू सीवर लाइन बनी है, पानी भी टाइम से आ रहा है यहाँ पे, बिजली भी 24x7 है, महिलाओं के लिए बस फ्री है, CCTV कैमरे लगे हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो विकास के नाम पे है काम हुआ है। तो मतलब कि आपने जिन मुद्दों को देखते हुए वोट दिया है वो है विकास, और प्लस कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है और वो कितने पड़े। ये बहुत अच्छा पॉइंट सर ने हमें बताया कि आप सिर्फ किसी निशान को या चुनाव चिन्ह को देखकर या किसी पार्टी को देखकर वोट मत कीजिए। पहली चीज देखिए कि वो पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका क्या बैकग्राउंड है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो आपके लिए कितना काम कर रहा है, तो है देखिए कि कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है, और उसको देखते हुए वोट कीजिए। ये है यहाँ दसगरा के लोगों के दिमाग में सोच, जिसको लेते हुए वो इस उपचुनाव में, यानी कि राजेंद्र नगर विधानसभा के बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो क्या सोच के मुद्दे क्या है, मतलब क्या सोच रहे यहाँ पर? कितना विकास आपको पिछले कुछ समय ले 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 लो भैया, वोट तो हमारा ले लो, आप दोनों साथ ही बोल रहे हैं, आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं? जो भी मैडम, जो आम आदमी के लिए मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे जो रोजमर्रा की उसको जरूरत रहती है, बिजली पानी, वो ही आपके आपके यहाँ पानी साफ आ रहा है? पानी साफ आ रहा है, तो यही मुद्दे इस बार के। तो मतलब इस बार जो आपने अभी वोट दिया उसको, मतलब आपके ध्यान में क्या रहा, आपने किन मुद्दों को देखते हुए वोट किया, क्या आपके यहाँ पे काम क्या हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है? बस फ्री, पहले हस्बैंड का, बच्चों का साथ देना जरूर था, अब हम अपने काम भी स्कूल के कर सकते थे, 4 बजे से 10 बजे बिजली का भी फ्री, हॉस्पिटल फ्री। मतलब जो जो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं वो इस बार जनता ध्यान रखते हुए वोट दे रही है। मतलब जो उनकी डेली रोजमर्रा की जरूरत होती है, बिजली, पानी, आना जाना, ये सब देखते हुए बिजली के पैसे बचा के बच्चों का खर्चा उसमें निकाल सके, बसों का भाड़ा निकाल के, ऑटो में भी नहीं जाते, आधा घंटा लेट करते, सबसे अच्छा काम किया केजरीवाल सरकार ने। आपने जो वोट दिया है किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया? काम का,
जिसने मतलब अच्छा काम किया। तो दस ग्यारह में यहाँ पर कितना काम आपको देखने को मिला है? तो मतलब इस बार आपने काम को देखते हुए को देखता हमारे पानी था। पानी कोई कमी नहीं। तो राजेंद्र नगर विधानसभा का ये 10 इलाका है जहाँ से बात करी और जाने उनके मुद्दे के इस बार उन्होंने किन मुद्दों को देखते हुए वोट दिया है। आपको बता दें कि ये जो उपचुनाव है सिपाही इलेक्शन हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो यहाँ के पहले कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के राहुल चड्ढा उनका प्रमोशन हो चुका है और वो पंजाब से राज्यसभा से जा चुके हैं। इसकी वजह से यहाँ की जो एमएलए सीट है वो वैकेंट हो गई, ये खाली हो गई। उसको भरने के लिए दोबारा ऐसे इस बार इलेक्शन कराए जा रहे हैं, उपचुनाव जिसे बोला जाता है, बाय पोल जिसे बोला जाता है, वो करा रहे हैं। 26 को इसका रिजल्ट आना है जिसमें देखना होगा कि लोगों ने जिन मुद्दों को ध्यान में रखा, जिन कैंडिडेट को वोट दिया है वो कौन से कैंडिडेट है और वो कैंडिडेट आने वाले समय में कितना काम कर पाते हैं कितना काम नहीं कर पाते। तो ये है राजेंद्र नगर विधानसभा का दसगरा जहाँ पर इस समय वोटिंग चल रही है। आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर आप प्रोटेक्शन भी देख रहे हैं कि पूरा पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है प्रोटेक्शन के लिए जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई ऐसा शरारती तत्व यहाँ पर ना हो जिसकी वजह से इलेक्शन कोई कमी आए, इलेक्शन किसी तरीके का। आप ये बताइए कि इस बार जब आपने वोट दिया तो आपके मन में क्या ऐसे मुद्दे थे जो आपको लगा कि मैं इन मुद्दों को देखते हुए वोट दूंगी? जैसे आपके यहाँ बिजली की समस्या है, क्या लगता है आपको जो जिसको आपने वोट दिया है वो आने वाले समय में आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे जी, हमने तो अपने मन से वोट दिया है और इस बार जिनको वोट हमने दिया है वो बिल्कुल जीतेंगे यहाँ से। और बिल्कुल जैसे हमारा काम किया था आरके सिंह जी ने भी, तो आने वाले जो हमारे एमएलए होंगे नाम तो हम भी लेंगे, जैसे कि आपको पता है चुनाव में नाम नहीं ले सकते, बट हमने वोट दिया है अच्छी जगह वोट दिया है इस बार और आपको लगता है कि जिस बार हमने वोट दिया है वो अवश्य जीतेंगे और आपके उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? वो बिल्कुल जीतेंगे और हमारी उम्मीदों पर खड़े भी उतरेंगे। यहाँ पर इलेक्शन नहीं था तब भी वो हमारे बीच में आके खड़े होते थे। हाँ जी, इससे पहले जब वो कुछ भी नहीं थे, ना कोई एमएलए थे ना कोई निगम पार्षद थे, तब भी वो हमारे बीच में आके हमारी समस्या को पूछते थे, भाई क्या समस्या है, कैसा क्या है, सब कुछ पूछते थे और बिल्कुल वो जीतेंगे और अच्छी वोटों से जीतेंगे। सर, इस बार के जो राजस्थान में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर जो भी वोटिंग भी आना पड़ रही है उसको लेकर आपका क्या है, इस बार क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देखते हुए यहाँ की जनता वोट कर रही है? सबसे बड़ा मुद्दा तो स्थानीय वर्षों पढ़ा ली जा रही है, तो दसगरा के बाद अब हम आ गए हैं न्यू राजेंद्र नगर के आर ब्लॉक के डी आई खान स्कूल के बाद जहाँ इस समय वोटिंग चल रही है। आपने देखा दसगरा जहाँ पर लोगों का क्राउड बहुत देखने को मिला, जहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है न्यू राजेंद्र नगर का यार ब्लॉक जहाँ पर इतनी भीड़ देखने को तो नहीं मिल रही, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ वोटिंग में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अंदर यहाँ पर हमें क्राउड देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि न्यू राजेंद्र नगर के आर ब्लॉक के जो लोग हैं वो किन मुद्दों को देखते हुए इस बार वोटिंग कर रहे हैं। मुद्दे यही होते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे जी। इस टाइम तो सभी जीए जुरी करते हैं थोड़ी देर के लिए जी। फिर उसके बाद तो आप गुम हो जाते हो, पर हम खुश हैं कि राघव चड्ढा ने पहले काम कराया यहाँ पर जी। पर आगे उम्मीद करते हैं जो भी जिसको भी हमने वोट किया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी हो, हमें तो काम करने वाला बंदा चाहिए जी। जो इन यहाँ के क्षेत्र को उनकी मुश्किलें आसान कर सके, ये ना हो कि जब तो वोट डलते हैं तब तो वो सारे हाँ जी कर देते हैं, उसके बाद दिखते ही नहीं है। तो आप चाहते हैं कि इस बार क्षेत्र के लिए जो भी कैंडिडेट हो हमको तो काम से मतलब है ना। आपको भी आम आदमी को क्या चाहिए, हमारे सुख सुविधाएं बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सबकी रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी वोट डलता है चाहे वो
ओल्ड एज का हो, अभी आप देखो कि कई चल भी नहीं सकते, व्हील चेयर पे आए जी। तो यही एक वो होती है कि जो जो भी आप कैंडिडेट खड़ा करते हो वो आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए काम करते। सर ये तो मत बताइएगा कि आपने किसको वोट दिया है, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार वोटिंग की है। सर मुद्दा एक ही, विकास। जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है जी, हम चाहते हैं ये आगे चलता रहे। राजेंद्र नगर में विकास हो रहा है, राजेंद्र नगर में हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में जो हो रहा है उस विकास को काम होगा, उस विकास को देखते हुए आपने वोट जी। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जिस भी कैंडिडेट को आपने वोट किया है वो आने वाले टाइम में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? सर देखो जो वोट डालता है वही उम्मीद पर डालता है जी, और जो कुछ कार्य हो रहे हैं उसको देख के लगता है हमारी उम्मीदें बरकरार। ये जो आप देख रहे हैं ये है न्यू राजेंद्र नगर के आर ब्लॉक का दूसरा बजट। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं न्यू राजेंद्र नगर में, ये आम आदमी पार्टी के जो पहले MLA हुआ करते थे राघव चड्ढा, उनका ये गढ़ है, वो यहीं के मूल निवासी है, यानी कि यहीं के वो रहने वाले हैं और इस एरिया में उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। राघव चड्ढा की अपने एरिया में एक अच्छी खास पकड़ रही है, लेकिन अब जब वो पंजाब राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं उसके बाद इस एरिया में, इस न्यू राजेंद्र नगर में उनकी पकड़ कितनी कायम रहती, यानी कि आने वाले समय में क्या उनकी पार्टी फिर से MLA दुर्गेश पाठक जो इस कैंडिडेट खड़े हुए हैं, क्या वो दोबारा MLA यहाँ के बन पाते हैं आम आदमी पार्टी के? तो देखने वाली बात यही होगी कि जो राघव चड्ढा हैं वो उनकी जो पकड़ है वो कितनी कामयाब रही है और आगे उनकी पकड़ का कितना असर इस एरिया में देखने को मिलता है। तो आप ये देख रहे हैं कि न्यू राजेंद्र नगर के आदमी लोग का दूसरा कनेक्शन है, यहाँ भी आपको ज़्यादा कुछ खासा भीड़ तो देखने को नहीं मिल रही होगी, लेकिन अंदर यहाँ पे जो वोटिंग है वो चालू है, वो चल रही है। इस समय हम खड़े हैं ओल्ड राजेंद्र नगर के सलवान गर्ल्स स्कूल के बाहर जहाँ वोटिंग इस समय चालू है। हम आपको राजेंद्र नगर के अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर वहाँ के हाल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोगों से, ओल्ड राजेंद्र नगर के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ओल्ड राजेंद्र नगर के क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ के लोग इस बार वोट करने वाले हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश बख्शी है। राजेश सर, आप वोट देने जा रहे हैं? जी मैं जा रहा हूँ। ओके, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं या कौन से ऐसे बातें हैं या कौन सी ऐसी चीज है जिसको ध्यान में रखते हुए आप उस कैंडिडेट को या उस पार्टी को चुनना चाहते हैं? पिछली दो टर्म में जो यहाँ से विधायक चुन के आए हैं दोनों ने कोई काम नहीं किया और यहाँ से भाग गए। इस बार लोगों ने सुना है कि जो भी लोकल आदमी है उसी को ही वोट देनी है, पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो लोकल आदमी है जिसने यहाँ एज ए काउंसिलर भी काम किया है, 5 साल काउंसिलर है, उससे बढ़िया पूरे राजेंद्र नगर हिस्ट्री में किसी ने काम नहीं किया। सो पीपल आर प्रेफरिंग ओनली और मैं भी उसी को ही वोट। सर जैसे कि हमने पहले जो दिन से बात की उनका कहना है कि ओल्डर राजेंद्र नगर में पानी की और रोड की बहुत। जी बिल्कुल, नहीं रोड की तो पार्किंग तो ऑल ओवर दिल्ली है वो तो खैर इशू नहीं है, लेकिन पानी बहुत प्रॉब्लम है, पानी की टैंकी है यहाँ उसके बावजूद पूरा दिन पानी नहीं मिलता, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम और वो भी गंदा पानी आता है। किसी ने सिर्फ आए एश्योरेंस के पिछले 10 सालों में सिवाए एश्योरेंस देने पर कोई काम नहीं किया। अब हमें उम्मीद है कि कोई लोकल आदमी चुनेंगे तो वो जरूर काम करेगा राजेंद्र नगर के लोगों। सो इसीलिए स्थानीय विधायक ओल्ड राजेंद्र नगर में जो प्रॉब्लम है वो लोगों को पानी और रोड की सबसे ज्यादा है। लोगों का कहना है कि यहाँ के जो लोकल एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनको चुनना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय इसके जो बाहर के लोग हो, ऐसा लोगों का कहना है। पर असलियत में कौन सा कैंडिडेट विधानसभा, ये जो राजेंद्र नगर विधानसभा इस सीट से सिलेक्ट होता है ये तो 26 जून को ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वोटिंग अभी चालू है, वोटिंग चल रही है, सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक चलेगी और 5 से 6 बजे का टाइम जो है वो कोविड पेशेंट के लिए है, जो कोविड पेशेंट हैं खास उनके लिए 1 घंटे का ये टाइम रखा गया जिसमें वो आके अलग से वोटिंग कर सकते हैं। राजेंद्र नगर विधानसभा के इलेक्शन का जो आज वोटिंग डे है वो चालू है और उसको लेकर हमने 4 पोलिंग स्टेशन आज कवर करे हैं, जिसमें हमने पहला आपको 10 घरे का दिखाया, दूसरा और तीसरा न्यू राजेंद्र नगर के 8 ब्लॉक का दिखाया और चौथा और जहां अभी हम खड़े हैं वो है ओल्ड राजेंद्र नगर का सलवान गर्ल्स का पोलिंग स्टेशन। आपको बता दें कि चारों जगह पे जहां पे भी हमने लोगों से बात की सबके भी अलग अलग, सबके मुद्दे जो है वो अलग अलग है, सबकी जो चॉइस है वो अलग अलग है और इसका जो रिजल्ट है वो आना है 26 जून। वही देखने वाली बात है कि इस बार जो विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो उभर कर आता है, क्या आम आदमी पार्टी इस बार फिर से अपना
अपना जो दबदबा है वो यहाँ कायम रख पाती है, या जो बीजेपी है जो जिसके जो कैंडिडेट हैं राजेश भाटी या जो पहले भी एक बार यहाँ के एमएलए रह चुके हैं वो दोबारा से यहाँ वापसी करते हैं, या जो कांग्रेस की कैंडिडेट है प्रेमलता वो इस बार पहली बार यहाँ पर अपना दबदबा कायम कर पाती है। देखने वाली बात होगी कि तीनों कैंडिडेट में से कौन सा कैंडिडेट 26 जून जनता के सामने उभर कर आता है और वो आगे यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाता है या नहीं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्लोबल आउटलुक 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, कैमरा पर्सन गरिमा के साथ।